बोले हेक्टर वर्सेस ओमेगा आ डस सोल नॉट क्वालिफाई आईक्यू बीएमपीएस अफेक्ट ब्रांड रोबिन भाई बीएमपीएस के बाद कौन सा इवेंट होने थक भाई टीम में एक चेंज हो रहा है दो चेंज हो रहा है टीम की चेंजेस की बात आज नहीं करेंगे चेंजेस हो रहे हैं ये आपको पता है वो सोल किरमाडा खेल रहा है तो डेफिनेटली कुछ हो रहा है दूसरी बात एसएटीएल चैनल पर रेगुलर कंटेंट का सीन ऐसा है वो बीच में 8 दिन का ब्रेक लग गया था काफी काफी ज्यादा गाली खाया आदि मेरे से उसके वजह से जबकि मैं छुट्टियों में था फिर भी काफी उसको वो किया बट अब रेगुलर रहेगा कोची जाओगे क्रिश गोयल आई माइट हैव टू ट्रेवल फॉर वर्क फॉर अ डे एंड अगर और वो ट्रेवल 28th को मुझे करना है 29th को बैक होना अगर वो नहीं हुई देन 28th मॉर्निंग आई माइट ट्रेवल टू कोची इट्स ऑलवेज फन बींग इन बीजीएमआई इवेंट्स इरेस्पेक्टिव ऑफ योर टीम इज प्लेइंग और नॉट बिकॉज गेम के लिए भी स्पिरिट है ना पूरा अच्छा बस इतना बता दो किरमाडा वाला आईडी पर एक बंदा का ट्रेवल चल रहा है एक से ज्यादा ये इतना आइडिया नहीं अंकित भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट मान्या क्यों स्ट्रीम नहीं करता गिव अस अ फ्यू डेज देखते हैं व्यू ऑन टीएक्स भाई मैं आज कोई चीज के लिए बात कर रहा था तो मैं ऐसी टीएक्स के अचीवमेंट्स देख रहा था बीजीएमआई में मतलब मैं तो ये बात भूल गया था कि उन लोग ने बीजीआईएस मुंबई वाले में भी देवर सेकंड रनर अप बीजीआईएस ही ना आई गेस करेक्ट बीजीआईएस नहीं बीएम बीजीआईएस देवर सेकंड रनर अप अभी उन लोग बीजीआईएस आपका ये वाला तो जीते ही एंड नाउ दे आर क्वालिफाइड फॉर बीएमपीएस प्रीटी कंसिस्टेंट मतलब गुड स्टफ आई रियली वांट टू सी विन बीएमपीएस यस भाई बिन बंदा कब से मेहनत कर रहा है कब से डस सोल नॉट क्वालिफाई आईक्यू बीएमपीएस अफेक्ट ब्रांड देव तिवारी डेफिनेटली इट ऑलवेज अफेक्ट्स ई स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप्स यू नो बट बिकॉज वी रिसेंटली वॉन बीजीएमएस वी डिड प्रिटी गुड इन ESL Snapdragon वो और फिर मेरे पास एक लिस्ट है फिर छोटे मोटे बीच में थर्ड पार्टी इवेंट्स हुए थे उसमें भी डिसेंट परफॉर्मेंस था सो आई थिंक इट्स लाइक फाइन वी आर गुड और देखो यार फन ऑफ स्पोर्ट्स ई स्पोर्ट्स यही तो है इट्स लाइक फाइन द टीम इज स्टिल गुड द प्लेयर्स आर स्टिल ऑसम और फैन बेस इज ऑसम क्या किसकी टेंशन है होगा अगला इवेंट फिर से चक दे फटे टेंशन ना को यार जब टीम चंगा सी प्लेयर्स चंगा सी फैन बेस चंगा सी ऑर्ग चंगा सी तो आप क्यों टेंशन ले सी टेंशन यार देखो पंजाबी वैसे बोलना नहीं आता मुझे तो मैं वो बोलना चाहता हूँ कि आप क्यों टेंशन ले रहे एवरेज गाय वोट अपील चल तो रहा है 4,200 लोग देख रहे हैं मेरे पिंड कमेंट पे जाओ वोट करो SATUL से स्टीमर ऑफ द ईयर में रेगल्टॉस एंड पायल नॉमिनेटेड है कंटेंट क्रिएटर ऑफ द ईयर में आई थिंक मोटल नॉमिनेटेड है SATUL का फेस्ट लाइव इवेंट ऑफ द ईयर में नॉमिनेटेड है SATUL एज अ मोबाइल ऑर्गेनाइजेशन नॉमिनेटेड है तो बहुत नॉमिनेशन है जाओ बिंदास वोट करो इंटरनेशनल अनाउंसमेंट का क्या हुआ थोड़ा सा टाइम बोले हेक्टर वर्सेस ओमेगा पीएम भाई देखो आई विल गिव अ वेरी फाइन ओपिनियन आई हैव सीन दिस सिक्स पीपल स्पेंड द बेस्ट ऑफ देयर टाइम्स टुगेदर ठीक है सब अलग अलग घर से आए अलग अलग बैकग्राउंड से आए एक टीम बने फिर आगे वो टीम कंटिन्यू भी करे पहले दूसरे टीम में थे फिर आई थिंक यू नो सोल में आके उनका एक लाइनअप बना फिर वो आगे सीजी गए देखो प्रॉब्लम्स आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कभी नहीं होंगी ठीक है एंड इट्स ऑलवेज फाइन टू हैव प्रॉब्लम्स सो आई डोंट हैव एन ओपिनियन अबाउट इट आई जस्ट होप कि यू नो खुश रहे जो जहाँ पे है आई थिंक दैट्स व्हाट आई हैव ऑलवेज सेड जो भी जहाँ पे रहे चारों पांचों छहों प्लेयर सब खुश रहे तब इतना लोड नहीं रोबिन भाई बीएमपीएस के बाद कौन सा इवेंट होने वाला है अरे अभी बोला ना मैं यार मेन यानी रेड बुल हुआ ESL हो सकता है जैन में लाइक कोई भी हो सकता है यार यूवी का होगा अब स्काई का होगा लाइक लैन की बात कर रहा हूँ हो सकता है इनमें से कोई का मेरे हिसाब से एक ना एक तो एक और होगा और प्लस जो वो एक्स्ट्रा है इन्विटेशनल जो भी टीम जो भी वहाँ इन्वाइटेड होगी वो एक्स्ट्रा है इन्विटेशनल नहीं हो रहा है अरे हो रहा है ब्रो होगा व्यू जोन ओविस बोलते एक्स नोमन अभी बोला ब्रो बहुत अच्छी लाइनअप है अच्छे फॉर्म में सारे लोग खासकर ओविस भी ऐश भी रोटेशन और दिमाग अच्छा चल रहा है कुल के तैसे के लिए ओमेगा कहाँ जा रहा है ब्रो ओमेगा तो भाई देखो भाई मेरे हिसाब से ओमेगा के पास अभी डिवाइस नहीं है यार तो ओमेगा के पास डिवाइस नहीं है वैसा सीन है यार वो ओमेगा खुद ही बता देगा यार किधर जा रहा है अभी बहुत कुछ चल रहा है कम्युनिटी में और बीएमपीएस के बाद तो और कुछ ही चलेगा जितना मेरे को पता है जितना फील आता है हर इवेंट के बाद एनवीसी ओल्ड टीएसएम सून भाई ग्लोबल मैच मैकिंग से रिलेटेड कुछ न्यूज है क्या रोबिन भाई यार मेरे हिसाब से आ जाएगी यार ग्लोबल मैच में अरे नहीं चेंज पावर लीव करेगा या नहीं ब्रो अभी कुछ नहीं है भाई अभी सब यही है बीएमपीएस होने दो देखते हैं सारी चीजें बता देंगे क्या होगा हमारे इधर भी बातें होगी टीम को लेके क्या सीन है हमको क्या करना है क्योंकि देखो भाई इस बार तो हमको सारी चीज ही पता है सब कुछ पता है कि क्या क्या चीजें करनी होती है क्या क्या चीजें हमारी टीम को लेके पेस को लेके इंडिविजुअल प्लेयर लेके सब पता है तो वो चीज है इफ सारे एक साथ एक पेज पे आए तो कोई कहीं नहीं जा रहा और इफ नहीं हुआ तो भाई फिर तो जो चेंजेस होंगे हो जाएंगे क्या पता एक हो दो हो तीन हो या पूरी टीम ही हो हु नोज ये भी हो सकता है भाई मैं तो हमेशा जिंदगी में सब लेके चलता हूँ